हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ ये आलू और तिल का सलाद शेयर करने जा रहे हैं। इसकी रेसिपी, ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद सेहतमंद होता है। ये तिल हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए देखिए मैंने इसके लिए क्या क्या लिया है। ये मैंने हरी मिर्च काट ली है, ये मैंने हरा धनिया काटा है, ये मैंने ताज़ा हरा पुदीना लिया है, इसको काट लिया है, ये मैंने अदरक को ग्रिंड कर लिया है, ये मैंने सेंधा नमक लिया है। आप इसमें काला नमक, खाने वाला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। अगर आप नाश्ते के लिए बना रहे हैं तो आप ऑयली ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आलू को उबाल लिया था। उबालने के बाद इसे 1 घंटे बिल्कुल ठंडा कर लिया है, तभी काटिएगा, नहीं तो ये आलू जो है भुरभुरा हो जाता है, टूट जाता है। बिल्कुल आलू की स्लाइसें ऐसी ऐसी रहनी चाहिए, ठंडा हो जाए तभी आलू को हमें काटना है। तो मैंने इसे उबाल के ठंडा करके काट लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। चलिए एक कढ़ाई रखते हैं गैस पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम ये तिल डाल के थोड़ा सा इसको भूनेंगे। ध्यान रहे इसका कलर हमें नहीं चेंज करना है, हल्का से इसे रोस्ट करना है। ये देखिए इसी तरीके से इसको रोस्ट करना है। अब ये रोस्ट हमारा हो चुका है, इसका हमें कलर बिल्कुल नहीं चेंज करना है। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और इसको हम निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। ये तिल हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है, चलिए बनाएं। देखिए मैंने एक थाली ली है, अब थाली में हम आलू को ऐड कर देंगे। अब इसमें ये तिल को ऐड कर देंगे। अभी जो ऑयल लिया है हमने, इसको थोड़ा सा डाल देंगे, 2 चम्मच है ये, छोटे चम्मच से। और ये ग्रीन चिली मिर्चा जो हमने काट के रखा है, अगर आप तीखा कम पसंद करते हो तो आप उसको कम ही डालिएगा। और ये धनिया, ये पुदीने की फ्रेश पत्तियाँ, और ये अदरक, नींबू का रस, और ये सेंधा नमक। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको आप छोटी मोटी भूख में भी खा सकते हैं, स्नैक्स के रूप में। और ये मैं व्रत के लिए बना रही हूँ। आप इसे चाय से, कॉफ़ी से व्रत में खा सकते हैं, छोटी मोटी भूख में स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में ये सलाद, और सेहत से भरपूर भी है। ये देखिए ये बिल्कुल हमारा तैयार है। अब हम सर्व करने के लिए एक प्लेट में निकालेंगे इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी झटपट ये बनकर तैयार हो गया है। और इसे आप चाहे स्नैक्स में खाइए, व्रत में खाइए, चाहे जैसे इसको खाइए, ये बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही हेल्दी नाश्ता है ये। तो ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।